हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं जयपुर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ओल्ड राव करके। और यहाँ भी खाना आया नहीं है, ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है, कितना बड़ा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वहाँ पे कहाँ पे है वो सुखदेव का ढाबा, उसके जैसा है। बाकी आगे बताऊंगा। ओके गाइस, अब खाना पीना खा लिया है, पेट पूजा हो गई है, अब हम निकल रहे हैं वापस से जयपुर वाले हाईवे पे। हाईवे पे पूरा जाम मिल रहा है बारिश की वजह से, लेकिन चलो खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जाम भी झेल ही लेंगे। तो गाइस देखिए, अब हम जा रहे हैं आमेर के किले की तरफ। और कितना अच्छा पहाड़ है यहाँ पे, किले की दीवारें दिखाई दे रही है। ये मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं जरा, और कितनी हरियाली है, ये मजा आ गया। मौसम में मौसम हो रखा है क्योंकि बारिश पड़ रही है, जब से आए दिल्ली से तब से नॉन स्टॉप बारिश ने। बादल हम साथ ही लेके चल रहे हैं एक्चुअली, ऐसा लग रहा है घर से, अपने बादल घर से लेके आए थे और ये हमारे साथ घर तक ही जाएंगे। और अभी आमेर का किला जब पहुंच जाएंगे, जब आपको हम दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। और ये देखो उसकी दीवारें शुरू हो गई है, जय श्री राम का नारा लगा दिया है लोगों ने पहले पेंट से लिख के। अब किले के अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या मजेदार जगह है, एक बार जरूर आपको विजिट करनी चाहिए ऐसी जगह। कितना अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ से दोनों तरफ पहाड़ है, रास्ता काट के बनाया हुआ है। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो फिर मैं हिम्मत बढ़ेगी तो दोबारा भी बनाएंगे वीडियो और भी दूसरी दो चार जगह एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, नए बिगनर है ना, इसलिए ट्राई कर रहे हैं कैसे बनती है ब्लॉग। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट। बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये शर्मन जी हैं हमारे साथ, इन्होंने गाइड किया हमने और ये बताएंगे यहाँ के बारे में क्या क्या चीजें हैं। अभी बताइए शर्मन जी। सर ये सर पन्ना मीणा कुंड है, पन्ना मीणा थे उन्होंने, गांव वालों के नाने धोने के लिए, नाने धोने के लिए बनाया। ये स्टेप्स इस तरह से डिजाइन किए गए कि इसमें क्राउड नहीं होता, ऐसे अलग अलग चले जाओ कहीं से भी जा सकते हैं, सीधे स्टेप्स होते हैं, क्राउड होता है, पानी ऊपर तक होता है। दो तीन साल से रेन नहीं, ये तो पानी ऊपर तक होता है, दो डैम बने तो ये पानी जो इकट्ठा ही रहता है कहीं से और भी निकलता है, फ्रेश पानी नहीं आता, ये जो बारिश का पानी, बारिश का पानी जो नीचे से रिचार्ज होता है। अच्छा। दो सागर डैम बने हैं। अच्छा। पानी से पीछे वो भर जाते हैं तो नीचे से रिचार्ज होता है, इससे पानी आता है। अच्छा, तो मछलियाँ अभी हैं पहले से डाली हुई हैं? पहले से इनमें आटा डालते हैं। अच्छा, यह है यदन 76 फुट है यदन। तो अब इस पर से नीचे, अब इसमें लोग नहाते नहीं है, बस अभी इसको बंद कर। अच्छा, प्री वेडिंग शूट्स हो जाते हैं यहाँ पे, उनके चार्ज होते हैं। बाकी अभी देखो एक टेंपल भी है, कितना अच्छा है ये, उन्हीं के टाइम का बना हुआ है, मानसिंह जी के टाइम का ही बना हुआ टेंपल है। और अभी इस तरफ अभी हम लोग इस पैलेस में जाना है, अभी चलेंगे आगे की वीडियो फिर हम सब बताएंगे आपको। फोटो जी, सबसे पहले मानसिंह ने 1589 में यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर आगे का पार्ट उनके पीढ़ियों ने स्टार्ट किया, मिर्जा जय सिंह ने आगे के पार्ट बनते हैं, इसके अंदर चल रहे मानसिंह। इधर से आओ भैया, आ जाओ दिनेश जी, उधर कुछ इंडियन रास्ते बन गए, ये गुप्त रास्ते बन गए भाई, क्या मॉन्यूमेंट्स होते हैं देखना, पहले बंद कर रहा है कई चीजें, बंद कर रखी
दरवाजे आप आगे चलिए, आप कई चीजें बंद करो, ये भी उन्हीं के रूम से फिर जी बताते रहो, उसमें बहुत करो फायदा नहीं होता। ये मानसिंह पैलेस, ये मानसिंह पैलेस का रास्ता है और इस तरह से वो कितने अच्छे वो बना रखी कृष्ण भगवान की। ओ ये सर मानसिंह पैलेस हाँ जी, ये सब खराब हो गया, लेकिन वही तो चेक इतना चेक। और ये नक्शा तो उसी टाइम पे वो नाम बता रहे हैं अंकल जी, लेकिन ये पेड़ वगैरह कुछ थोड़े जो है वो चेंज हो गए हैं। बाकी ये है दीवाने खास, दीवाने अब हम दीवाने खास बना रहे हैं। ये मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया, मिर्जा राजा जयसिंह मानसिंह ने यहाँ मानसिंह, ये मानसिंह का पैलेस था, ये मानसिंह पैलेस, ये मिर्जा जयसिंह, तीस महल डिजाइन कितने अच्छे, डिजाइन इस तरह से किया गया कि सब जैसे एक दीपक जलाएंगे इसी से बना, रिफ्लेक्ट करते हैं दूसरे तो तारे तारे मिलते हैं। अच्छा, ये शीशे से बना हुआ है, अगर एक भी दीपक जलेगा तो पूरे उसमें पैलेस में रोशनी हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी तारे की तरह। ये बेल्जियम का शीशा, पहले फाउंटेन था शायद लेकिन अभी बंद पड़ा है। तो सुख मंदिर है दीवाने चलेंगे, ये देखने वाली चीजें देखो, पैसा वसूल, पूरा शीशे का वसूल, सारा शीशे का बना हुआ है ताकि वो चमके, अगर रात में अगर कोई एक भी दीपक जलाएगा तारे तारे नजर आएंगे, रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे से दीवारों पे। अच्छा, दिए लगाने के लिए जला सकते हैं, जो रानी का वो दो रानियां थी, अच्छा एक रानी का रेजिडेंस, दो रानियां थी, एक रानी यहाँ रहा करती थी और दूसरी साइड रहा करती थी, और एक दिया जलाने से सारे में यहाँ रोशनी हो जाया करती थी। गुड, ये अंदर से नहीं देख सकते, अंदर से 2007 से, अच्छा अंदर से देखने के लिए 2007 से बंद कर रहा है। इधर उधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, किस वजह से बंद किया है? ये खराब है, शीशे निकाल देते हैं लोग छेड़ा कर। चलो चलो चलो, हम तो सीधे भी नहीं कर सकते, अबे रात में जाता होगा ना। बना रहे ये है 12 गली, जहाँ सभी रानियाँ महल के इस बार में राज परिवार की महिलाओं को निवास था, जिसमें राज
और अंकल जी इसके बारे में बताइए कुछ। बताया ना ऊपर से मीनार बारादरी, ये बारादरी यहाँ पे बारह रानियां यहीं मिलती थी। यहाँ पर ही है ना भाई वो जोधा की जो शूटिंग हुई थी, जोधा अकबर की शूटिंग है। और सब जगह का रास्ता सारे रूम्स का यहीं आके मिलता है रानियों से। और राजा का पैलेस वहाँ से राजा वाला दरवाजा चंदन की लकड़ी है, खुशबू के लगाया आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। इस दरवाजे पे डिजाइन मैच किया गया है। राजा तो बहुत खुशनसीब था ना भाई, है ना भाई, 12 रानियां। आज के टाइम तुमसे देख भाभी भी ना संभलती है जी हाँ, वो तो घर जाके पता चलेगी तुम्हें भाई क्या रास्ता है। देखिए हाँ देखो जेल में कैदी है, इसके अंदर वो है और ये जेल है, सूरत उनको सजा मिली हुई राजाओं के टाइम से ही। और इनकी थी पीढ़ी ये छोटे बॉक्स है, उस टाइम पे वगैरह रखी जाती थी। देखो कितनी गरीब है तरीके से।